वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अतुल गोयल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आप श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में कार्यरत हैं और आपकी चल रही है एक्सरसाइज नंबर 3, और 3 का भी एंड ही कर रहे हैं आज हम। आज या कल जो भी है, दो एक क्वेश्चन बचेंगे तो कल कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट में मैंने कल कराया था 11, आज क्वेश्चन नंबर 12 से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सभी ध्यान दीजिए। एक मैट्रिक्स है ए बराबर 3x3 दिखाई दे रही है, और आप भी देख सकते हैं, अपनी बुक्स आपके सामने हो। 211 -102 013 हो तो सिद्ध कीजिए, करो। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट, एटी होल टी बराबर ए, ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज बराबर ए, सबसे पहले ये सत्यापित करना है। दोस्तों, जब मैंने आपको मैट्रिक्सों से संबंधित गुणधर्म बताए थे, तो उन गुणधर्मों में मैंने आपको ये गुणधर्म भी बताया था, और आपसे वहाँ कहा था कि एग्जाम्पल्स में इन सबके सत्यापन दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स हम आपके सामने हैं, इसमें आपको यह प्रूफ करना है। 3x3 की आपके सामने मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, किसके बराबर सिद्ध करना है? ए के बराबर सिद्ध करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक काम करके रख लीजिए, ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए। चूंकि ए का ट्रांसपोज, तो कैसे ज्ञात होगा? ए लिखिए और टी लिख दीजिए इस प्रकार से। ए का मान 211 -102 013, ये हो गया सर ए का मान। और अब हम उसका निकालेंगे ट्रांसपोज, साथ की साथ इसका ट्रांसपोज देखिए। 211 जो पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दीजिए। आपको ट्रांसपोज बताने के नियम मैंने बताए हुए हैं। -102 इसको दूसरा स्तंभ बना दीजिए, 013 इसको तीसरा स्तंभ बना दीजिए। इस प्रकार से ए का ट्रांसपोज हो चुका है। किसका ट्रांसपोज? ए का ट्रांसपोज, ए की परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है। लेकिन LHS तो हमारा कुछ और ही है, इसका मतलब अब हमें LHS के अकॉर्डिंग चलना है। तो AT का T अर्थात इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। तो अब की बार हमें जो मान मिला है उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लो। मान ये मिला है 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, ये देखिए। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, निकाल दीजिए। 2 -1 0 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये देखिए आप लोग, हो गया। इसका भी ट्रांसपोज मिल गया। तो आपने जो मिला उसको देखिए, वो ए के जैसा है क्या? 211 211 -102 -102 013 013 बिल्कुल एज इट इज है। किसके बराबर? ए के बराबर। दोस्तों, पहले मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर उसका भी ट्रांसपोज निकाला, सॉल्व किया, मान निकाला, आया किसके बराबर? ए के बराबर। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ए टी का टी किसके बराबर मिला? ए के बराबर। तो इस प्रकार से आपका पहला पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट कह रहा है सत्यापित कीजिए ए प्लस ए टी एक सममित आव्यूह है। इसी में पार्ट है, एक सममित आव्यूह है। तो अब हमें इसका सत्यापन करना है। तो इसका सत्यापन आप लोग देखिए, मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन में बताया था कि इसका सत्यापन करने के लिए
पहले आप इसको किसी अन्य मैट्रिक्स के बराबर मान लीजिए। माना यह किसके बराबर है, एक मैट्रिक्स P के बराबर, P बराबर A प्लस A का ट्रांसपोज। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग A का मान और A की ट्रांसपोज का मान रख दीजिए। रखते A का मान सबसे पहले वही 3x3 है, प्लस बाद में किसका मान, A के ट्रांसपोज का मान। A का मान आपके सामने 2 1 1, -1 0 2 0 1 3। इसके ट्रांसपोज का मान भी रख दीजिए जो आप पहले से ही निकाल चुके हो, -1 0 2 0 1 3। इस प्रकार से इसके ट्रांसपोज को अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्सों को ऐड करना है। ऐड करना आप आसानी से जानते हैं, देखिए ऐड कर रहा हूँ, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 6। इस प्रकार से हमने इसका क्या कर लिया, एडिशन निकाल लिया। अब हमें, हमसे तो ये पूछा गया है ना, A प्लस A का ट्रांसपोज एक सम्मिताव्यूह है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित। तो सत्यापित कीजिए, अब इसको आते हैं। सत्यापित करने के लिए इसका क्या निकालोगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब इसकी क्या निकालोगे, परिवर्त मैट्रिक्स। निकाल रहे हैं इसकी भी परिवर्त मैट्रिक्स। क्या करते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया। ये निकल गया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के बाद चेक कीजिए कि क्या यह P के बराबर है। आपका P का मान यहाँ तक निकला, क्या यह इस P के बराबर है, दिस दिस और दिस दिस और दिस दिस, दोनों सेम हैं। दोनों क्या हैं, सेम। PT का मान P के बराबर निकला तो हम कहें, अर्थात क्या कहेंगे, P जो किसके बराबर है, A प्लस AT के बराबर थी, वह कैसी है, एक सममित मैट्रिक्स है। इस प्रकार से यह भी आपका बिल्कुल सत्यापित हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में आई थिंक 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 4। तो आपके सामने पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को देखेंगे आप लोग। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, देखें आप। अभी मैं उसको भी मिटा दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो तीसरा पार्ट मिटाना इसलिए पड़ा क्योंकि बोर्ड का अभाव था। थर्ड पार्ट है A माइनस ए टी। ए माइनस ए टी कैसी है, एक विषम सम्मिताव्यूह है, एक विषम सम्मित आभ्यू है। दोस्तों अब इसको सत्यापित करना है आप लोगों को, विषम सम्मित। ये आप कल भी एक क्वेश्चन में कर चुके हो, फिर भी हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो इसको भी करते हैं। विषम सम्मित मैट्रिक्स को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले दी हुई मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स, वहाँ पी माना तो यहाँ पर क्या मान लो, क्यू। तो माना क्यू बराबर ए माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट है ना। अब आप इसको आगे बढ़ाकर इसका सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए, अर्थात मैट्रिक्स में इसका सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। ए का मान आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ए का मान हो गया, माइनस कर रहे हैं ए के ट्रांसपोज को, जिसका मान आप पहले निकाल ही चुके हो उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 1 2 3। ये ए का ट्रांसपोज था। अब हम इसको आगे करके इसका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन।
दो में से दो गया तो जीरो आया, एक और एक जुड़ेगा तो आएगा दो, एक में से जीरो घटेगा तो आएगा एक, माइनस एक और माइनस एक क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस दो, जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगी, दो माइनस एक क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एक माइनस का एक, वन माइनस टू माइनस का एक, थ्री माइनस थ्री दोस्तों ये हो गया जीरो। ये मैंने Q का मान निकाल लिया दोस्तों। विषम सममित शो करना है तो अब इस जो Q मैट्रिक्स हमने मानी है इसका ट्रांसपोज निकालिए। आते हैं क्या निकालते हैं दोस्तों, Q का भी ट्रांसपोज, क्योंकि सत्यापित करनी है ये वाली बात। जब Q एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई और इसका ट्रांसपोज निकाल कर माइनस Q के बराबर हो जाए, किसके बराबर, माइनस Q के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि Q कैसी मैट्रिक्स है, एक विषम सममित मैट्रिक्स। Q का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं दोस्तों, देखिए इसको, पहली पंक्ति को क्या कर दिया, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को क्या कर दिया, दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को क्या कर दिया, तीसरा स्तंभ, कुछ भी मत सोचो बस आप करते जाओ दोस्तों। विषम सममित के केस में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपका Q का ट्रांसपोज प्राप्त करके या किसी A का ट्रांसपोज प्राप्त करके माइनस कॉमन और लीजिए, माइनस कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती से कॉमन लेना है आए चाहे नहीं है, जीरो तो बेचारा मूक दर्शक है जीरो ही रहेगा। माइनस दो से माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, दो, माइनस एक में से कॉमन आ गया, दो में से कॉमन नहीं आ रहा, माइनस दो लिख दिया ये जीरो है ही है, माइनस एक में से कॉमन आ ही गया एक, एक में से लिखी लिया माइनस एक और ये भी लिख लिया माइनस एक और ये हो गया जीरो। मैंने माइनस कॉमन लिया दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोज का मान चल रहा है और माइनस का ये प्राप्त हो गया है अभी तक। अब इसका थोबड़ा देखिए, इसकी शक्ल देखिए, इसका चेहरा देखिए, क्या इसका चेहरा Q से मिलता है, Q ये रहा, क्या मिल रहेगा तो 0 2 1 0 2 1, माइनस टू जीरो वन, माइनस टू जीरो वन, माइनस वन जीरो, माइनस वन मिल गया, मिल गया। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, क्यू टी का मान माइनस तो है ही, ये क्यू क्यू टी का मान माइनस का क्यू प्राप्त हो गया, जस्ट लाइक जब विषम सममित मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया था तो ए टी का मान माइनस ए के बराबर होना चाहिए था, यहाँ पर ए की जगह कौन है, क्यू है, जब ये बराबर ही हो गया माइनस क्यू के तो हम क्या कहें, आते क्यू का मान क्या था, ए माइनस ए टी, क्यू जो एक मैट्रिक्स है एक विषम सममित मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से सत्यापित हुआ, आपका थर्ड पॉइंट भी सत्यापित हुआ। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं यहाँ से भी मिटाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे फोर्थ पॉइंट थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो समझ में आपके आ ही गया और कॉपी में आप नोट कर ही रहे हो उम्मीद कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान दें, ए ए टी, ए टी एवं ए टी ए, ए टी ए, कैसे आप व्यूह हैं, लिखा हुआ है सिद्ध करवाया है सममित आप व्यूह हैं, ये दोनों कैसे आप व्यूह हैं, सममित आप व्यूह हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आंसर में शुरुआत कहाँ से करेंगे, ए ए टी तक, ए ए टी से। अब ए ए टी दो तरह की मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई है, क्या है, दो तरह की मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई। एक काम आप यहाँ भी कर ही लें, क्या कर लें, इसको भी किसी पी क्यू आर एस किसी के बराबर मान लो, मान लो आर के बराबर माना, पी क्यू वहाँ मान लिए यहाँ आर मान लो, माना आर बराबर ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ओके।
अब एक काम कर लीजिए, इस आर की कैलकुलेशन कर ही लीजिए। ए का मान रख दीजिए सबसे पहले, फिर ए के ट्रांसपोज का मान भी रख दीजिए। रख रहा हूँ, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब इसकी ट्रांसपोज का मान भी रख दीजिए, जो आप पहले ही निकाल चुके हो ट्रांसपोज अलग से, 0 1 3। ए का मान और उसके ट्रांसपोज का मान आपने रख दिया। अब मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर दूं। मैट्रिक्सों के मल्टीप्लाई मैंने आपको बहुत समझाए हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करते हैं, बीच में जोड़ते जाते हैं। 2 2 4 और 1 5 और 1 6, समझ पा रहे हो, उम्मीद कर रहा हूँ। माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 2, ये हो गया 0। 0 1 3 4 हो गया दोस्तों। इधर आ जाइए अब, माइनस का 2 0 प्लस का 2, दोस्तों 0 हो गया। इधर आ जाइए, 1 0 4 और 1 5 हो गया दोस्तों। इधर आ जाइए, 0 0 3 2 6 हो गया ये दोस्तों, राइट है ना। आइए 0 1 1 1 और 1 क्या हो गया दोस्तों, 2। ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर एक बार और देख लेता हूँ मैं चेक करके, 0 1 3 का 0 1 और 3 10, यस दिस इज 4, ओके 0 1 एंड 3 4, राइट। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 3 2 6, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 9 9 और 10। इस प्रकार से आपका ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हुआ। मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के बाद आर का मान हमें ये प्राप्त हो गया है। अब आर को सममित से सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज। पुनः हमने क्या निकाला, आर का ट्रांसपोज। आर का ट्रांसपोज जो निकालोगे आप, जो आर प्राप्त हुई उसका ट्रांसपोज निकालोगे। आर कैसी प्राप्त हुई, 6 0 4 0 5 6 4 6 10। निकालना इसका ट्रांसपोज, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया इस प्रकार से। क्या यह आर के बराबर है, मिलाओ 6 0 4 6 0 4 0 5 6 0 5 6 4 6 10 4 6 10, बिल्कुल यह किसके बराबर है दोस्तों, आर के बराबर। जब आर टी का मान आर के बराबर है, क्या लिख दोगे, आते हैं आर कैसी है, सममित है। जो आर आपने क्या किसके बराबर माना था, ए इंटू ए टी के बराबर, इसका मतलब ए इंटू ए टी कैसी है, सममित। आ गया समझ में। अब सेकंड पार्ट इसी का ही, एवं माना। अब अगला मान लो आर, इसको माना एस, मान लो एस बराबर क्या मान लो इसको, ए टी इंटू ए। तो ए के ट्रांसपोज का मान रख दीजिए, ये रख दिया हमने ए के ट्रांसपोज का मान। फिर हम किसका मान रखेंगे, ए का मान। ए का ट्रांसपोज का मान क्या है, 2 1 0 1 0 1 1 2 3, ये ए के ट्रांसपोज का मान है। ए का मान क्या है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। दोस्तों फिर से इनका क्या कर दो अब आप, मल्टीप्लाई जैसे पहले किया था, अब मैं इनका मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सेम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 2 2 4 और 1 5 0 5 ही आया, 2 1 2 0 0 2 ही आया, 2 1 2 -2 0 + 0 0 ही आया, 1 का के इनका करेंगे 2 0 0 तो 2 आया, 1
जीरो वन, वन ही आया, सॉरी वन जीरो वन टू आया, वन जीरो वन टू आया, वन जीरो थ्री क्या आया फोर, दो माइनस दो जीरो, कुल मिलाकर जीरो, वन जीरो थ्री, थ्री एंड वन फोर, वन फोर फाइव हो गया, नाइन फोर्टीन, इस प्रकार से नौ और चार तेरह और एक चौदह, राइट। तो इस प्रकार से 80 इंटू ए का मान आपने निकाल लिया। दोस्तों इसको भी आपको क्या करना है, सममित सिद्ध करना है, तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। एस टी का ट्रांसपोज निकालना है तो एस वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो रही फाइव टू जीरो टू टू फोर जीरो फोर फोर्टीन, इसका निकालिए क्या अब ट्रांसपोज। पहली पंक्ति को बना दीजिए पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना दीजिए दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को बना दीजिए तीसरा स्तंभ, ये बन गया तीसरा स्तंभ। दोस्तों मैच कीजिए इसका एस से, बिल्कुल मैच करना चाहिए, बिल्कुल मैच करना चाहिए, सेम है बिल्कुल। तो एस टी का मान किसके बराबर होता है, एस के बराबर। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या लिखूंगा, अतः एस कैसी है, सममित है। एस का मतलब 80 इंटू ए। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हुआ है और उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मैंने कहा हुआ है बिल्कुल भी कोई समस्या आपको लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ में, किसी भी एक्सरसाइज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हो नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर मैसेज या कॉल करके मुझे किसी भी क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। ये क्वेश्चन आपका चार पार्टों में था, काफ़ी बड़ा सवाल था, इसलिए आराम आराम से आपने समझने की भी कोशिश की, कॉपी में आपने अच्छे से इसको राइट कर लिया होगा। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 किस प्रकार से है, एक मैट्रिक्स दे रखी है उसने ए, ए का मान दे रखा है चार दो एक तीन, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है उसने बी, बी का मान दे रखा है माइनस दो एक तीन दो, इस प्रकार से बी का मान, तथा उसने एक लाइन और दे रखी है थ्री माइनस का टू वी, इस प्रकार से कुछ प्लस का सी, एक शून्य आप व्यू है, क्या है, मैं लिखना तो हिंदी में ही पड़ेगा शुरू में, एक शून्य आव्यूह है, तो किसका मान निकालिए, सी का मान, क्वेश्चन वाचक लगा दिए सी के आगे, जो सी एक मैट्रिक्स ही होगी 100% उसका मान हमें निकालना है। इस इक्वेशन, एक इक्वेशन बन जाएगी ना ये, क्योंकि इसको बराबर में क्या कर देंगे ओ, इस इक्वेशन का उपयोग करके हमें किसका मान निकालना है, सी का मान। तो देखिए दोस्तों सी का मान कैसे निकलता है, इस लाइन को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दीजिए आप लोग, थ्री ए माइनस का टू बी प्लस का सी बराबर क्या लिख दे दोस्तों, ओ। ओ क्या है, क्या कहलाती है ओ, यह जीरो नहीं है, ये क्या है ओ, ओ क्या कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स। दोस्तों चूंकि हमें सी का मान चाहिए, किसका मान, सी का मान, तो सी का मान निकालने के लिए आप सी को अकेला कर दीजिए, बाकी का थ्री ए को माइनस का थ्री ए करके इधर लिख लीजिए और माइनस टू बी को उधर लिख लीजिए, ओ को लिखने की प्लस में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओ शून्य मैट्रिक्स है, इसको किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करने पर उस मैट्रिक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने इस प्रकार से इसको लिख लिया। अब आराम से आप इजीली इसकी कैलकुलेशन कीजिए, माइनस का थ्री एज इट इज लिखिए, ए का मान रख दीजिए, दो को भी एज इट इज लिखिए और बी का मान रख दीजिए, ए का मान है चार दो एक तीन, बी का मान है माइनस दो एक तीन दो, ये मान रखने के बाद
अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका माइनस तीन से सभी अवयवों का कर दीजिए, माइनस का 12, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 9, इस प्रकार से। प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई सबसे कर दीजिए, माइनस का 4, प्लस का 2, 2 तिया 6, 2 दुनी 4, इस प्रकार से। इजी है सब कुछ समझना आपके लिए। तो इस प्रकार से माइनस का 4, प्लस का 2, प्लस का 6, प्लस का 4। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनको जनरली ऐड करना है। सामान्य तो जो ऐड करने का तरीका है, इसको इससे कीजिए माइनस का 16, इसको इससे कीजिए माइनस का 4, इसको इससे कीजिए प्लस का 3, इसको इससे कीजिए माइनस का 5। इस प्रकार से ये सॉल्व हो चुका है। बहुत इजी सवाल था, आपको सी का मान निकालना था, सी का मान आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल हैं। वैसे मैंने आपसे कई बार कहा है, थोड़ा प्रयास आप भी करें, घर पर अपनी कॉपी और पेन लेकर रफ कार्य कर लीजिए इनका अच्छे से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी मैथ में। दोस्तों टीचर केवल गाइड करने के लिए होता है, मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि टीचर चाहे तो सब कुछ करा दे, लेकिन उससे आपका कैसे आगे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका जो आत्मविश्वास उससे बढ़ेगा जब आप इनको खुद घर पर एक बार टीचर का गाइड करने पर आप खुद घर पर बैठ के करें। दोस्तों एक बहुत छोटी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। आपको मैथ तो इम्पोर्टेंट रूप से प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगी आपको ना केवल सॉल्यूशन में मजा आएगा बल्कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट आता है। दोस्तों हम कभी अपने टाइम पे जब पढ़ते थे तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता था, हम अपने मन से करने की कोशिश करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग। एक 2×3, 2×3 क्रम का अवयव, क्रम का अवयव, एक 2×3 क्रम का अवयव, b बराबर bij। मैं यहां पर कोटि लिख देता हूं, 2×3 b बराबर bij। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस bij। कैसे बनाना है हमें, ऐसे बनाना है जैसे उसने कहा है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में क्या है 2, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में 2, राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में, ये काफी बार कर लिए इस तरह क्वेश्चन। एक 2×3 क्रम के अवयव b बराबर इसका निर्माण करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस इसके अनुसार निर्माण करना है। दोस्तों पहले हम कच्चा इसका फ्रेम बना लें। 2×3 का फ्रेम कैसा बनता है दोस्तों, ऐसा बनता है जिसमें b है तो b की ही फॉर्म है, b11, b12, b13, और यहाँ पर b21, b22 और b23, ये बन गई दोस्तों आपकी 2×3 की एक मैट्रिक्स कच्ची। अब इसको पक्की करने के लिए क्या करेंगे, इनके मान निकाल लो। मान क्या निकाल, कैसे निकालते हैं, आते हैं सबसे पहले b11, फिर एवं लिखते जाओ सारे मान आ जाएंगे, एवं। मैंने आपको बताया ना जल्दी जल्दी करने के लिए, आपको पता है ये फॉर्मेलिटी सी तो करनी पड़ेगी आपको, एवं b12, b13, b21, b22 और b23। दोस्तों ये काम तो आपको करने पड़ेंगे, मैंने आपको कई बार कह दिया। अब आपको इसमें मान रख दीजिए, आई का मान 1 और जे का मान 1, साफ दिख रहा है, आई का मान 1, जे का मान 1, इसका होल स्क्वायर बटे में 2। सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, 9/2। थोड़ा स्पीड आपकी भी होनी चाहिए, देखो ये ना सोचे कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ये सोचे आपकी हमारी भी होनी चाहिए। सिंपल है ऐसे लिखना, क्योंकि इन सब के ही मान निकालने हैं। 1, 1 आई का मान 1, जे का मान रखा 1, 1, 2×1=2, कुल मिलाकर सॉल्व किया 9/2। अब की बार i का मान 1, j का मान 2, 1+2^4 का स्क्वायर बटे में 2, ये हो गया 5/25/2। अब की बार 3 रखना है j का मान, बाकी का 1 तो चल ही रहा है, 1+6 का होल स्क्वायर बटे में 2, ये हो गया 7/7/49/2। अब की बार i का मान 2, j का मान 1, 2+2 का होल स्क्वायर बटे में 2, आ रहा होगा समझ में, आई थिंक 4 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 16, 16/2 कितना हुआ 8, राइट है ना।
अब आइए 22 पे, 22 के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 2 दुनी 4 और उसका होल स्क्वायर बटे में 2, 4 और 2 6 होता है दोस्तों, 6 का वर्ग क्या होता है 36 बटे 2 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 18, 2 और 3 रखेंगे तो 2 प्लस 3 दुनी 6 और इसका क्या होल स्क्वायर और बटे में क्या दोस्तों 2, सॉल्व करेंगे 6 और 2 8, 8 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 64, 64 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 32। सारे मान आप निकाल चुके हो, मान निकालने के बाद आप यहाँ पर रख दीजिए, आते हैं लिख दिए ना भाई, आते हैं b बराबर क्या पहला मान आया 9 बटे 2, बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए 9 बटे 2, अगला क्या है 25 बटे 2, बिल्कुल ऐसे ही, अगला क्या आया 49 बटे 2, 49 बटे 2, अगला क्या आया 8, 18, 32, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हो आंसर। तो इस प्रकार से बहुत ईजी हैं सवाल, आप अगर करोगे तो अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि शुरुआत ईजी से हुई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, और आप अपनी बुक में देखें कि क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से है, एक बार उसको खुद का मूड लगाएं, खुद का ध्यान लगाएं, खुद का दिमाग लगाएं, अगर आपका दिमाग मेरे दिमाग से मैच करता है तो एक छोटी सी हल्की हल्की सी खुशी भी मिलती है कि हमने दिमाग सही तरीके से लगाया। एक बार नहीं लगेगा, दो बार नहीं लगेगा, तीसरी बार तो ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा। क्या कह रहा है, ए एक मैट्रिक्स है, साफ दिख रही है, इस तरह का फॉर्म आप आपको सबको पता है 2x3 का होता है, -101, 2 3 -2, 2 3 -2, ये हो गया आपका ए का मान। बी का मान दे रखा है, बिल्कुल लिख लेते हैं इसको साइड में ही, जगह के अभाव की वजह से साइड में लिख लेते हैं। बी बराबर है 100, 100, अगला है 0 -1, 2, 0 -1, 2, अगला है 0 5 7, 0 5 7, ये हो गया दोस्तों बी का मान। लास्ट है सी, सी को भी लिख लेते हैं इसी तरह से, सी बराबर, सी है इस तरह के, ये आपको दिख ही रहा है 3x1 एक मैट्रिक्स है, -1 0 1, -1 0 1, इस प्रकार से है। तो आप व्यू मैं लिख लेता हूँ, आप व्यू ए इंटू बी इंटू सी, अर्थात ए बी सी की प्रथम पंक्ति के अवयव लिखिए, ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयव, ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए क्वेश्चन वाचक चिन्ह। साफ दिख रहे हैं ए बी सी के मान, ये भी दिख रहा है आपको इनकी कोटियां, ये इसकी 2x3, इसकी 3x3, और इसकी क्या होगी दोस्तों 3x1। ओके दोस्तों, आपको ए बी सी चाहिए, क्या चाहिए ए बी सी, तो निकालना तो पड़ेगा। एक काम कर ले, ए बी सी निकालने का तरीका क्या है, या तो ए बी का पहले कर लो, तीनों का एक साथ तो कर ही नहीं सकते, या तो ए बी का पहले कर लो या बी सी का पहले कर लो, राइट बात है ना, आपकी इच्छा है वो काम कीजिए आप, मेरी बात माने तो आप बी सी का पहले कर लीजिए, किसका कर लीजिए बी सी का, पहले ही निकाल के रख लें जरूरत पड़ेगी, चूँकि बी सी क्या निकाल रहे पहले बी सी, बी का मान क्या है दोस्तों रख दीजिए 100, 0 -1, 2, 0 5 7, दोस्तों ये बी का मान था। सी का मान रख दीजिए -1, 0 1, ये रख दिया दोस्तों सी का मान। ओके सॉल्व कर लीजिए, यहीं सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, सॉल्व करने के बाद फ्रेम बनाना है, फ्रेम का पहले निर्धारण कर लिया करो, 3x3 के मैट्रिक्स का 3x1 से हो रहा है, ये 3 और ये 3 तो बराबर हो गया, तो बनेगी बचेगी यहाँ से 3 और यहाँ से क्या 1, कई बार बता चुका हूँ, इसका मतलब बनने वाली मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी 3x1, मतलब ऐसी ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ऐसा ही एक फॉर्म बना लेते, ये फॉर्मेट हो गया मैट्रिक्स का। अब आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला पंक्ति पहला ही स्तंभ एक ही तो है, कर लीजिए गुणा कर लीजिए, ये माइनस का एक ही आ जाना है दोस्तों, अब इसका कर लीजिए 0, ये 0, ये 2 ही आ जाना है दोस्तों, अब इसका कर लीजिए 0 0 7 आ जाना है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई बड़ी जल्दी से पॉसिबल हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसा होगा, ये आप आसानी से जानते हैं, पहले कई बार बता दिया है। आते हैं अब क्या निकाल लें दोस्तों, सीधा ए बी सी निकाल लो, क्या निकाल लो सीधा ए बी सी, पहले इसको ऐसे शो कर दो ए इंटू बी सी,
कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि BC का मान हम पहले निकाल चुके हैं। ओके, अब A का मान रख दीजिए और BC का मान रख दीजिए। A का मान -1, 0, 1 और 2, 3, -2, ये हो गया आपका A का मान। अब BC का मान रख दीजिए जो आपके पास है फिलहाल, -1, 2, 7, ये आपका BC का मान राइट है ना दोस्तों। दिमाग लगाइए यहाँ, इसको हम 3x1 कोटि का मैट्रिक्स बोल सकते हैं राइट है ना। अब आप A इंटू BC करो, BC की कोटि आपने देख ली, आगे A की कोटि देख लो, 2x3, 3, 3 मैच कर गया, 3, 3 मैच कर गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ये हटा दो अब कोटि ज्ञात करने के लिए, यहाँ से पहले 2 पीछे से क्या 1, इसका मतलब नई मैट्रिक्स जो बनेगी उसकी कोटि क्या होगी, 2x1, क्या होगी कोटि, 2x1। तो 2x1 का एक फॉर्म बना लो, फॉर्मेट इस तरह की 2x1 जो है, सॉरी 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ, इस तरह का फॉर्मेट 2x1। चलो अपने आप आएंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दीजिए और तो ही नहीं करिए, -1 का -1 +1 खत्म, 7 और 1 8, -2 +6, 6 में से 2 गया तो 4, -14, -10, -2 -14 -16 +6 -10 राइट। ए बी सी का मान इन टोटल आपके सामने आ चुका है 8 - 10, इस प्रकार से 2x1 की एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई आपको। आपसे पूछा क्या है, अब ये देखिए ए बी सी तो निकाल ली, ए बी सी के प्रथम पंक्ति ए की तो मतलब 2 तो पंक्तियाँ हैं, पहली पंक्ति में ए की तो अवयव है, अवयव लिखने तो ए बी सी के, अतः ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव, क्या के अवयव की जगह का अवयव सिर्फ क्या है, एक ही है, वो कौन सा है, 2 सिर्फ, सॉरी 2 नहीं 8, सिर्फ 8 है, क्या है दोस्तों 8 आया। 15वें नंबर का आपका आंसर क्या है दोस्तों, 8, इजी था बिल्कुल। मिटा दें अब हम इसको, क्वेश्चन नंबर अब आप 16 देखोगे, 16 नंबर पर आप जब तक नज़र डालिए सभी, कैसा सवाल है, अपनी कॉपी में क्वेश्चन तो लिख लीजिए, लिखने के बाद सॉल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद मैं आपसे बार बार यही कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग आगे से इनको सबको देख चुके हो, क्योंकि देखने के बाद जो भी कोई प्रॉब्लम होती है और तब जाकर आप मुझसे शेयर करते हो अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। 16 नंबर, ए बराबर कैसा है, cos θ sin θ - sin θ और आगे है cos θ, ये आपका सवाल। तब हमें क्या ज्ञात करना है, AAT का मान, अर्थात A का मल्टीप्लाई A के ट्रांसपोज से हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी हुआ, तो आपको सबसे पहले A का मान रख देना है, सेम है cos θ sin θ, -sin θ और cos θ। दोस्तों ये A का मान आपने लिख दिया, अब एक काम कर ही लीजिए, इसके ट्रांसपोज का मान भी रख लीजिए, इसका ट्रांसपोज जो होगा आपको अच्छे से आता है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देना, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देना, बना दिया दोस्तों पहली पंक्ति, जो भी है आप जानते हैं पूरा प्रोसीजर, काफ़ी बार करा दिए इस तरह के सवाल। आइए अब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये त्रिकोणमितीय फंडा है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आगे बढ़ना होता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कॉस का कॉस से करेंगे दोस्तों, क्या आएगा cos²θ, साइन का साइन से, बीच में तो प्लस आना ही है, sin²θ पहला अवयव मिल गया। पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ से -cos θ sin θ + sin θ cos θ, ये आपका आ गया
दूसरा अवयव। अब दूसरी पंक्ति से कीजिए पहले स्तंभ का, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, हो गया दोस्तों। अब इसी का इससे कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगा दीजिए, आपको आता है। ये तो सूत्र सीधा होता है जिसका मान क्या होता है दोस्तों, वन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। ये दोस्तों कट गया, देखो कट गया, साफ दिख रहा है आपको, कट गया, तो इसका मान क्या आ गया, जीरो। दोस्तों ये भी कट गया, देख रहे हो, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, ये जीरो हो गया। उधर उसको देखेंगे दोस्तों, ये क्या आ गया, वन। दोस्तों इसको और आगे बढ़ाएं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको क्या, आई, इकाई मैट्रिक्स है ना दोस्तों, ये इकाई मैट्रिक्स। और नीचे टू भी लिख सकते हो, क्योंकि टू से ये क्लियर हो जाता है द्वितीय कोटि, सेकंड कोटि, सेकंड ऑर्डर, द्वितीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स है द्वितीय। आंसर जो मिला वो हमें क्या मिला, द्वितीय क्रम की इकाई या तत्समक मैट्रिक्स, ये आपका आंसर आ चुका है। आसान था सवाल दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 117 आप देखेंगे, अब लोग 17 नंबर आप जल्दी से देखें अपनी बुक से क्या कह रहा है, कोई समस्या उसके अंदर देखिए। इजी सवाल है, यदि 1x1 और उसके बाद 3x3 1 2 3 4 5 6 3 2 5 उसके बाद एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 बराबर दे रखा है दोस्तों O, क्या दे रखा है दोस्तों O, ये बराबर दे रखा है O के बराबर। देन हमें x का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान। O आप जानते हैं जीरो नहीं है, ये क्या है O, क्योंकि जीरो तो आ ही नहीं सकती मैट्रिक्सों की संक्रियाओं के दौरान, जो जीरो तो प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है या शून्य मैट्रिक्स हो सकती है। दोस्तों तीन मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई, इनकी कोटियाँ मैं लिख देता हूँ, 1x3, 3x3 and 3x1, इस प्रकार से इन सब की कोटियां हैं, मैंने यहां पर कोटियां लिख ली हैं सबकी। इन तीनों का मल्टीप्लाई O के बराबर है, देन जहां भी x आ रहा है उस x का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी प्रोसीजर है, आप चाहें तो मैंने आपको पहले भी पीछे का ही गुणा जल्दी करके दिखाया था, एक काम आप यहां भी कर लीजिए, अब इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, ये एज इट इज मैंने लिख दी, ओके। और पीछे की दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x3 का 3x1 से इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, 3x3 समान है, बनने वाली मैट्रिक्स 3 यहाँ से 1 लास्ट से 3x1 होगी, 3x1 का मतलब ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। बिल्कुल इसी तरह का एक फॉर्मेट आप पहले से ही बना दीजिए, बना दिया, अब तो आपकी कैलकुलेशन है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 × 1 = 2, 2 × 4 = 5, 3 × 3 = 5, 14 4 × 4 = 5, 2 × 10 = 10, 10 × 4 = 14, 6 × 3 = 18, 18 × 14 = 32, 3 × 3 = 4, 3 × 7 = 5, 15 × 7 = 22। यह आपने कर लिया मल्टीप्लाई, बराबर में क्या चलने दो O। दोस्तों अब फिर से देखें, ये 1x3 मैट्रिक्स है, ये क्या मैट्रिक्स है, 3x1। 1x3 की किसी मैट्रिक्स का 3x1 की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि 3 3 बराबर है। होने के बाद आने वाली नई मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी दोस्तों, बचा यहाँ से एक, बचा यहाँ से एक, 1x1, क्या बचा, 1x1, इसका मतलब 1x1 का मतलब एक ही अवयव आएगा। अब आएगा कैसा वो अलग बात है, लेकिन आएगा क्या, एक ही अवयव, इसका इससे गुणा करके एक अवयव लिख दो, 14 × 14 + 32x + 22 कर लिया, ये एक ही अवयव है दोस्तों, बराबर में। अब हम O को भी इज्जत दे दो, O की इज्जत क्या है, जब ये 1x1 है O को भी 1x1 ही ले लो, जिससे क्या हो सके तुलना, जिससे क्या हो सके
तुलना। सिस्टम से काम जरूरी है, नंबर तभी पूरे मिलते हैं। जब आप निर्धारित कर चुके हो कि हमारे पास 1x1 मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है, तो ओ को भी 1x1 की एक शून्य मैट्रिक्स ले लीजिए, जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य, एक ही है, शून्य अवयव है। अब तुलना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, इनको जोड़कर तुलना कर लीजिए, 22 और 14 36 होती है, 36 + 32x बराबर में उधर कौन है, 0। दोस्तों x का मान चाहिए हमें, माइनस का 36 / 32, 4 से कट रहा है, माइनस का 9/8, और यू दोस्तों ये आ गया x का आपका मान, -9/8। बिल्कुल इजी सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपके सबके समझ में आया होगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। कल मैं आपको अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर दूंगा, और कल ही मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ मुझे क्लियर कर दें कि नेक्स्ट डे मुझे कौन सी नई एक्सरसाइज आपके लिए कैचअप करनी है। आप बिल्कुल अपने व्हाट्सएप नंबर इस पर मुझे मैसेज करके एक्सरसाइज का केवल नाम ही लिख दें कि मैं इस एक्सरसाइज को आपके सामने प्रारंभ करूं। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो मुझे पॉजिटिव रहेगा कि मुझे क्या स्टार्ट करना है, इजी भी रहेगा क्लियर करना, नहीं तो क्या है कि मैं रैंडमली कोई सी भी एक्सरसाइज उठा लूँगा जो मुझे आपको समझाना बेहतर लगेगा। अभी ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा टफ आपको काम प्रारंभ में नहीं किया जा सकता, मैं चाहता हूँ थोड़ा इजी मैटर आप कैचअप करने की कोशिश करें, इंटरेस्टिंग भी हो, ये भी चाहता हूँ। इसी के साथ अपने लेक्चर्स का एंड करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।